हेलो जी, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आप सभी को और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने ही देश के साउथ इंडिया की फेवरेट डिश, जो डिशेज में से एक है, जो कि है इडली। इडली तो आपने खाई होगी, इडली सांभर वगैरह, लेकिन ये चीज एक चीजी फ्लेवर के साथ आ रही है, जो है चीजी इडली। तो देखिए कैसे बन रही है ये चीजी इडली। जैसा कि हमें इडली बनानी है, वैसे लॉकडाउन खुल ही चुका है, हर जगह खुल चुका है, तो टाइम हमारे पास कम ही है, तो हमने इस बार यूज़ किया है ये रेडी टू ईट एमटीआर। तो इसकी हम बना रहे हैं इडली। तो हमने ये आधा पैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ये बाउल के अंदर ये ले लिया है इसका मिक्सचर। जैसा कि हमने ये एक बाउल लिया है, तो हम इसमें करीबन अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से दही मिला रहे हैं। हमने एक कटोरी पहले मिला दी है, हम एक और मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका बैटर होगा, ये ज़्यादा ना थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए कि भैया हमारी इडली ना बने। तो देख लेना, समझदार है सब, हमें बीवी जैसे नहीं है ना, मारेगी बीवी हमें पकड़ के, घोटेगी। जैसे कि हमने ये अपना बैटर बना लिया है, हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया और दही भी थोड़ी सी, कि ऐसे स्मूथ सा बन जाइए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अपने सांचे में डाल देंगे, ठीक है। तो हम अपना सांचा आपको दिखा देते हैं, हम देसी आदमी हैं, ज़्यादा सामान तो आए नहीं कभी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये ले लिया ये भगोना, इसके अंदर हम ये लगा रहे हैं नीचे बेस के लिए, और थोड़ा सा डाल रहे हैं ये पानी कि स्टीम बने। ये हमने ले लिया है इडली स्टैंड, हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ये ऑयल, ग्रीस कर रहे हैं हम अपनी इडली स्टैंड को, कि भैया हमारी जो इडली है चिपकी है ना, बस हो गया। अब एक एक चम्मच, एक से डेढ़ का भैया। देखो दोस्तों, ये हमने लगा दी है, अब हम इनको लेके चलते हैं अपने स्टैंड के अंदर, ठीक है। तो ये स्टीम हो जाएंगी, 5 से 10 मिनट तक रखेंगे और चेक करते रहेंगे हम कि ये बन गई या नहीं। और इसके ऊपर हम ये लगा रहे हैं ढकने के लिए कि स्टीम बन जाए, ठीक है। बीवी के लिए अब हम बना रहे हैं चीज, मोटी होती जा रही है और मोटा होना है इसको, ठीक है। तो देखो हमने पैन चढ़ा लिया, हम सबसे पहले डाल रहे हैं ये, हमने एक क्यूब या स्क्वायर जो वो जो लिया है, ये थी बटर ले लिया, हाँ हाँ, ठीक है। अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं, हमने ग्रेट कर लिया अपने चीज़ को, तो ये हमने 4 लिए थे, ठीक है। तो हम ये मिक्स कर देते हैं चीज़, हमने ये पिज़्ज़ा की चीज़ होती है ना चीज़ बर्स वाली, वो यूज़ कर रहे हैं। तो सोच लो भैया क्या मज़ा आने वाला है, तो ये जलाना मत बिल्कुल भी, ठीक है। चीज़ है और बटर है, तो अब साइड बाय साइड मैंने एक ग्लास दूध ले लिया, इसको मिक्स करना है, और लम्स भी मत आने देना, लम्स आ जाए गैस को सिमी रखना दोस्तों। बन गया है ये चीज बस्ट का चीज, अब इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लो जी, तैयार कर लिए हमने ये इडली, मैं निकालता हूँ। ओहो, लो जी तैयार कर लिए हमने इडलियाँ, ठीक है। इनको हमने ये 4 भागों में काट के रख लिया है, अब हम तैयार कर रहे हैं कि हमने जो सब्जियाँ काट के रखी है, तो सब्जी में हमने क्या लिया है, हमने एक बड़ी प्याज ली है, मतलब 2 प्याज, ठीक है, वो लिया है। तो देखो हमने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है, अब मैं प्याज डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, हमने 2 कटे हुए टमाटर लिए हैं और 1 शिमला मिर्च और 3-4 हमने लहसुन ले लिया है, वो डालेंगे। तो मैं बारी बारी दिखाता रहता हूँ। तो ये जो प्याज है, इसको आप बारीक कटी हुई है, और गैस को मीडियम रख लें, भून लें।
हमारी प्यार देखो हो गई है। इडली को आप इंडिपेंडेंस डे पर इंडिपेंडेंटली खा सकते हो, सांभर की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ये प्याज हो गई है, अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं हमारी कटी हुई एक मिर्ची और लहसुन। अब हम इसके अंदर मिला लेते हैं ये एक शिमला मिर्च कटी हुई भारी। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। हम चीज़ डालेंगे इसमें, नमक थोड़ा सा कम यूज कर रहे हैं और थोड़ी सी हमने हल्दी भी डाल रहे हैं, और हम लाए हैं कश्मीरी लाल मिर्च तो हम ये इतना यूज़ कर रहे हैं रिस्क लेते हुए थोड़ा सा बस मसालों को। अब मिला रहे हैं हम ये अपने टमाटर, ठीक है। तो ये हमने ले लिए थे 2 टमाटर, अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये पानी थोड़ा सा। हम इसमें मिला रहे हैं सांभर मसाला, ठीक है, तो तकरीबन 1 चम्मच है ये। ये देखो बन गया ये। अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये अपनी धनिया, तो बस ये धनिया को अच्छे से भिगो दें, पूरी खिलवा दें इनको कि ये मजे से इडलियाँ इसके अंदर सब्जियों के अंदर मिक्स हो जाए, स्वाद आ जाए अंदर तक। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी चीज और भी प्लेटिंग करके दिखा देंगे आपको। लो जी तैयार कर लिया है आपके भाई ने, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ये चीज जो हमने बनाई थी ना, देखो। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा सा सांभर पाउडर, सांभर मसाला सॉरी मिर्च, ठीक है। ये बन गया, अब हम क्या करेंगे, खाएंगे भाई, हाथ ही खा लेते हैं। मन तो कर रहा होगा आप सबका खाने का, डाइट कॉन्शियस लोग भी कहेंगे आ क्या यार इडली के ऊपर डाल ली तुमने चीज, अरे यही तो मजा है। चलो मैं तो चला खाऊंगा टेस्टी। और ये स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बहु मंजिला इमारत बनाई हमने, ये घर की चटनियाँ ही हैं, दिखाएंगे कभी बना के, ठीक है। चलो क्या करना है आपको वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आ रही, बेल बटन जा देना, और लोगों को बताओ यार अच्छी अच्छी रेसिपीज आ रही हैं। चलो चलते हैं जी भाई, बाय।